हेलो एंड वेलकम एवरीवन तो कैसे हैं आप सब तो आज मैं पतंजलि का एक प्रोडक्ट लेके आया जो काफी फेमस है नीम घनवटी इसका नाम है इसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसके बेनिफिट क्या है क्या नुकसान है कहाँ से आप परचेज कर सकते हैं कितनी डोसेज में इसको लेना है तो पतंजलि एक काफ़ी फेमस ब्रांड है आप लोगों को पता ही है इसकी मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं और जड़ी बूटी आती हैं आयुर्वेदिक बेसिकली प्रोडक्ट आते हैं और बहुत सारी ग्रोसरीज में भी ये डील करने लगा है आजकल तो ये एक घनवटी है जो कि नीम द्वारा निर्मित है तो मैं अपना रिव्यू शुरू करता हूँ पतंजलि घनवटी का आप मेरे साथ बने रहिए उससे पहले मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा सारी वीडियोज आप तक पहुँच सकें चलिए पतंजलि नीम घनविट्टी के बारे में बात कर लेते हैं पहले इसके जो प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिकेशन मौजूद है उसके बारे में बात कर लेते हैं कंटेंट लिखा हुआ है सिक्सटी टेबलेट की क्वांटिटी में आ रहा है बैक साइड देख लेते हैं इस पर क्या मेंशन है इस पर भी कंटेंट मेंशन है सिक्सटी टेबलेट और प्राइस मैंशन है जो कि है नाइन्टी रुपीज़ मैनुफेक्चरिंग डेट और एक्सपायरी uh, डेट दोनों मैंशन है दो साल की एक्सपायरी के साथ ये प्रोडक्ट आ रहा है और मेड इन भारत प्रोडक्ट है साफ साफ मैंशन है उत्तराखंड स्थित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड में इसका मैनुफैक्चरिंग हुई है और सब कस्टमर केयर नंबर और जो ईमेल आईडी वो सब मेंशन है और लिखा हुआ फॉर सेलिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट ओनली तो बाहर नहीं परचेज कर सकते ना आपको बाहर मिलेगी ये इसका साइन दे रखा है इसकी जो जेन्यूननेस है उसका साइन है ये बेसिकली आप देख पा रहे हैं ओम बना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको बेसिकली पतंजलि नीम घटरी घनवटी के फायदे क्या क्या है तो ये आपका जो पहला फायदा बताता हूँ वो है प्योरिफाइड ब्लड तो ब्लड में बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको बॉडी में बहुत सारे रैशेज़ एलर्जी और बहुत सारी दिक्कतें आती हैं स्पेशली यंग जनरेशन जो यूथ हैं उनको ये प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है अराउंड 12 से 25 साल के बीच ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है यूथ में तो ये जो घनवट्टी अगर आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो उन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिलेगा आपके जो ब्लड में इंप्योरिटीज़ हैं वो रिमूव हो जाएंगी और आपका ब्लड प्योरीफाई हो जाएगा अगला है आपके टॉक्सिनस हो जाते हैं ब्लड में इंप्योरिटीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं फेस करनी पड़ती हैं तो एक केस तक आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपकी ब्लड में टॉक्सिक पैदा होते हैं वो निकल नहीं पाते बॉडी से जिसकी वजह से आपको पिम्पल एक्ने ऐसी समस्याएँ आने लगती हैं तो ये क्या करता है नीम घनवटी उस चीज को मिनिमाइज करता है उस चीज़ को क्योर करता है टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से बाहर निकालता है और आपका जो ब्लड है प्योर करता है जिससे आपकी स्किन पे ग्लो आता है और आपको कॉन्फिडेंस आता है अपनी स्किन को देख के अगला जो फायदा है वो पिंपल और एक्ने खत्म करता है पिंपल एक्ने मैंने आपको जैसे पहले बताया आपका ब्लड प्योर हो जाएगा तो आपके पिंपल और एक्ने की प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो जाएगी ये बेसिकली प्रॉब्लम एक यूथ टाइम पे आती है एक टीन एज टाइम पे आती है स्टार्ट होती है और ये काफी लंबी जाती है कई लोगों में पैंतीस साल तक ये प्रॉब्लम खींचती है अगला जो फायदा है इसका वो है कि स्किन क्लियर हो जाएगी ऊपर से आपके जो ग्लो होगी स्किन स्किन पे वो बढ़ जाएगी तो ये उसमें बहुत फायदा करता है आप लीजिए इसको काफ़ी फायदा होगा किसी टाइप का साइड इफेक्ट ऐसा ज़्यादा कोई नहीं है साइड इफेक्ट जो है वो बहुत रेयर साइड इफेक्ट हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन का है इसके अंदर कई लोगों को सर में दर्द की प्रॉब्लम रही है बट ये जो साइड इफेक्ट हैं बहुत रेयर हैं और इसकी डोसेज के बारे में बता देता हूँ डोसेज आप इसकी दिन में एक टैबलेट ले सकते हैं आफ्टर फूड इंटेक् इस पर मैंशन भी है आपकी जो डोसेज है देखिए सजेस्टेड सजेस्टेड जो है इसका लिखा हुआ है वन टेबलेट ट्वाइस डेली और एज डरेक्टिव फिजिशन तो आप ले सकते हैं एक टैबलेट दिन में दो बार ले सकते हैं इसमें ऐसा मैंशन है बट अगर अगर आप देखेंगे थोड़ा आपकी बॉडी को एडजस्ट करने के लिए स्टार्टिंग में एक ही टैबलेट लीजिए धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी बढ़ाइए नहीं तो हो सकता है आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दिखे तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक ही टैबलेट लें अगर आपको फायदा कर रही है तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा के दो कर दें और आप देख भी पा रहे हैं इसके ऊपर इंडिकेशन जो है सब इसके ऊपर मैंशन है प्रॉपर और आप इसके लीजिए बहुत फ़ायदा होगा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है पतंजलि नीम घंटी के रिगार्डिंग तो आप प्लीज कमेंट में मैंशन कीजिए मैं उस कमेंट को पढ़ के एज सुन एस पॉसिबल आप लोगों का रिप्लाई दूंगा आप बने रहिए थैंक यू सो मच